नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERTPM ई विद्या क्लास नंबर 10। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट सेकेंड पर। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं और कोई भी बात आप दोबारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पिछले प्रीवियस सेशन में हमने जाना कि कौन कौन से और किस तरह के, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। और आज के इस सत्र में हम जानने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और आपको इस पर डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए उनसे हम परिचय करवाते हैं आप सभी का। आप हैं मिस सविता ग्राहक, यू आर कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र। वेरी वॉर्म वेलकम मैम। जी थैंक यू रेणु जी। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, लेट मी शेयर सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल। इन केस अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आए, कुछ प्रश्न है आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ या पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ, आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। ईदर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल। हमारा ई मेल एड्रेस है dth.class10th@cit.nic.in। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, यानी कि NCERTPM ई विद्या क्लास नंबर 10 पर हैं, तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ, अपनी क्वेरीज के साथ, डाउट्स के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और हमारे एक्सपर्ट से अपनी सभी डाउट्स का सोल्यूशन पाएँ। तो मैम, हम आपके पास आएंगे सविता मैम, और जैसे हमने बताया कि ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट पे हम बात कर चुके हैं। बहुत ही ब्रीफ में हम रिकैप्चुलेट करेंगे मैम इसके पार्ट फर्स्ट को, मैम पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट को। जी बिल्कुल रिनु जी, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन, फर्स्ट वी विल डिस्कस द सेम एंड आफ्टर दैट वी शैल प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक व्हिच यू जस्ट इंट्रोड्यूस्ड। सो प्रीवियस सेशन में हमारे व्यूअर्स ने डिस्कस किया अबाउट the various types of polynomials, like I have mentioned here on the screen, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, and then biquadratic polynomial, factors of a polynomial, zeros of a polynomial, and then constant polynomial. So if we talk about these all, linear polynomial is that polynomial in which I can write the polynomial as x plus 1 or 2x minus 3. Means a polynomial where the highest degree of the variable is 1. Then let us discuss about the quadratic polynomial. If in a polynomial the highest power is 2, or we can say कि अगर किसी भी polynomial की degree 2 होती है, हमें पता है कि degree का मतलब होता है highest power of the variable in the particular polynomial. So that polynomial is known as quadratic polynomial. Then a cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दैट जहां पर डिग्री होती है 3, लाइक आई एम राइटिंग ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी। इफ आई एम राइटिंग दिस कंप्लीट, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वार्टिक पॉलिनोमियल में डिग्री इज ऑलवेज 4, एंड देन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट where the degree of the variable becomes zero. Like अगर हम लिखते हैं p of x is a polynomial which is equals to 7, which is equals to 3, which is equals to under root 5, then such type of polynomial is known as a constant polynomial. जहाँ पर variable है ही नहीं, means वहाँ पर variables की जो power है that is equals to zero. And that is the highest power. So the degree of a constant polynomial is always zero. In addition to the same, हमने discuss किया factors of polynomial and zeros of a polynomial. All right. हमने ये भी जाना था कि किसी भी polynomial को अगर हम geometrically represent करते हैं या graph पर अगर हमने कोई भी polynomial p of x इस तरह से present किया है, so if I want to know कि how many zeros are there of this given polynomial, then definitely it has 3 zeros. We know that all the values of x जिनके लिए पूरा polynomial 0 के इक्वल हो जाता है,
उन सभी वैल्यूज को हम बोलते हैं दीज आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड श्योर मैम। एंड जी इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशियंट्स। सो हियर वी कैन से अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एज वी नो दैट द डिग्री ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इट इज वन एंड हियर इज द जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि हमारा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाए बट जो वेरिएबल है उसका कॉफिशियंट जीरो नहीं होगा। एंड इफ आई वॉन्ट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज देन दिस इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अगर हम इसे जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स की जो जीरो यहां से निकल रही है, एक्स की जो वैल्यू यहां से निकल रही है, दैट इज डेफिनेटली नेगेटिव बी अपॉन ए। और हम ये भी समझ सकते हैं सिंस दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल देन इट हैज एग्जैक्टली वन जीरो। ओके, और वो जीरो जो है वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस बी अपॉन ए। अगर हम सपोज करते हैं कि अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, अल्फा इज द जीरो ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, इन दैट केस अल्फा इज डेफिनेटली द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज नेगेटिव बी अपॉन ए। और हम इसे ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं नेगेटिव साइन विद द कॉन्स्टेंट टर्म, व्हाटसोएवर द कॉन्स्टेंट टर्म इज। इन जनरल हम अगर कॉन्स्टेंट टर्म को बी एज्यूम करते हैं देन नेगेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टेंट टर्म एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द कॉफिशियंट ऑफ एक्स। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर अल्फा। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन, सम मोर रिलेशनशिप्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. This time the polynomial is quadratic. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है that quadratic polynomial means a polynomial where the degree of the same is 2 is known as a quadratic polynomial. Now a is not equals to 0. Here also हमें ध्यान रखना है कि whatsoever is the degree of the polynomial उसका coefficient 0 नहीं हो सकता. Now it is the sum of the zeros. What will be that? जैसे अभी हमने discuss किया था in our previous polynomial, linear polynomial, that the zero is equal to minus b upon a. Similarly, if we talk about the sum of zeros in a quadratic polynomial, तो dear viewers, आप जानते हैं कि quadratic polynomial में at most two zeros होती हैं. That these two zeros are alpha and beta. Alpha और beta ये जो आप देख रहे हैं इन सिंबल से आप डरेंगे नहीं, दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, राइट, एंड द नोटेशंस आर अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस एंड आई कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज डेफिनेटली माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ जीरोस। In addition to that, what is the product of zeros? Product of zeros ke liye you need to go for the constant term and the same will be divided by a. That means a kya hai yahan par? Coefficient of the highest power of x. Coefficient of x square is a and we can say that the next relationship is alpha into beta equals to c divided by a. All right? सो जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह से वी शैल डिस्कस अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन टू अस, इफ आई एम सेइंग अबाउट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, डेफिनेटली हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर विल बी 3, डिग्री ऑफ दिस विल बी 3। सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्यूबिक होने की वजह से इट विल हैव 3 जीरोस एंड वी हैव सपोज्ड दोस 3 जीरोस टू बी अल्फा बीटा एंड गामा। क्योंकि यहां पर 3 जीरोस हैं
और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी 3 है, तो आप रिलेशनशिप्स भी 3 देखेंगे। जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही रिलेशनशिप देखा, दैट आर अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए। देन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू रिलेशनशिप्स। द फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस एंड द सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन टर्म्स ऑफ द कॉफिशियंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली हियर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज द गिवन पॉलिनोमियल, देन द सम ऑफ जीरोज इज अगेन सम ऑफ जीरोज विल बी द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस। व्हाटसो एवर इज द हाइएस्ट डिग्री, उसके जस्ट जो भी नेक्स्ट डिग्री है उसका ही कॉफिशियंट हमारा न्यूमरेटर होगा, एंड डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी द कॉफिशियंट ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है 3, और उसका जो कॉफिशियंट है एक्स क्यूब का जो कॉफिशियंट है दैट इज ए, देयरफॉर द डिनोमिनेटर विल बी ए हियर। यानी हमें यहाँ पर समझ आता है दैट द फर्स्ट रिलेशनशिप इज अल्फा प्लस बीटा विच इज नेगेटिव बी अपॉन ए। ऑल राइट, आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट रिलेशनशिप लेट अस डिस्कस द रिमेनिंग टू रिलेशनशिप्स इन द सेम केस। द नेक्स्ट इज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द अल्फा बीटा गामा, वही 3 जीरोस हैं और सम ऑफ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला रिलेशनशिप है, व्हाट इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यानी इस बार हमने जो लेना है दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, टोटल 3 जीरोस हैं हमारे पास। सो इसका मतलब हुआ पहली दोनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, नेक्स्ट इज बीटा इंटू गामा, नेक्स्ट इज गामा इंटू अल्फा, एंड द सम ऑफ ऑल दीज 3, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द कॉफिशियंट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय ए, दैट इज सी अपॉन ए। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, देन द प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 विच इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव डी अपॉन ए, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए। डियर व्यूअर्स, इस चीज को आप समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 जीरोज। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इट इज नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 6, जो भी 6 का साइन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखेंगे, उसका साइन दैट वैल्यू इज पॉजिटिव और दैट वैल्यू इज नेगेटिव वो आपको काउंट करना है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए, ए इज डेफिनेटली पॉजिटिव 3, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज 6 अपॉन 3 विच इज 2। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम रिलेशनशिप्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले लेट अस वंस डिस्कस कि हमने डिस्कस क्या किया है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशियंट्स ऑफ अ, किस तरह का पॉलिनोमियल है ये, डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, लेट दिस बी अल्फा एंड बीटा। सो वी हैव स्टडीड दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स नेगेटिव बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स सी अपॉन ए। इफ वी थिंक अपॉन द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नेवर बी जीरो। सो लेट अस डिस्कस कि क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज सेइंग फर्स्ट फाइंड द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करनी आपको आती है, सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन। इफ आई गो फॉर फैक्टराइजेशन आई कैन से दैट नेगेटिव 2x कैन बी रिटन एज नेगेटिव 4x प्लस 2x। ये आप जानते हैं कि हमें किस तरह से फैक्टराइजेशन करना है। आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम होगा नेगेटिव 8 और जिनका सम होगा नेगेटिव 2 विच इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म विद द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नेगेटिव 8 है। तो हमने ऐसे दो नंबर सोचे नेगेटिव 4 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नेगेटिव 8 मिल रहा है,
एंड इफ आई एड बोथ ऑफ दीज नंबर्स वी आर एबल टू गेट द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, फर्दर फैक्टराइजेशन, और इन दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं दैट x माइनस फोर इज द फर्स्ट फैक्टर एंड x प्लस टू इज द सेकेंड फैक्टर। ओके, फैक्टर्स के बाद जीरोस भी निकालना आता है हमें। इफ आई वॉन्ट टू पुट दिस टू बी जीरो, x माइनस फोर को अगर आप जीरो के इक्वेट करते हैं, या अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिसके लिए ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जो है जीरो के इक्वल आ जाए, सो डेफिनेटली दीज आर फोर एंड माइनस टू। और आप बोल सकते हैं दैट अल्फा इज फोर एंड बीटा इज नेगेटिव टू इफ आई थिंक दैट फॉर दिस पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। ऑलराइट, अभी हमें नेक्स्ट जो टास्क करना है दैट इज द वेरिफिकेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सो लेट अस डिस्कस द सेम वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जिस चीज का, जी मैम प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, वेरिफिकेशन हमें करना है फर्स्ट रिलेशनशिप का। फर्स्ट रिलेशनशिप मैम, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो कोई सवाल आपसे जानना चाहते हैं, हम उनका सवाल लेना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताएं फिर अपना सवाल पूछें। हेलो मैम, वो शायद उनका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। आप वेट करते हैं, हो सकता है कॉल दोबारा से आती है, तो हम बच्चे का सवाल जरूर जानेंगे। डेफिनेटली चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हैं एंड द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इमीडिएटली। सो बढ़ते हैं आगे। वेरिफिकेशन इन्हीं दोनों रूल्स का, इन्हीं दोनों रिलेशनशिप्स को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। अब देखिए, वी कम टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। लेट अस हाईलाइट द सेम। हेयर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? हेयर इज द वैल्यू ऑफ बीटा। सो वी डू हैव अल्फा, वी डू हैव बीटा। हमारे पास ए बी और सी की भी वैल्यू है अगर हम अपने पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। Here, the coefficient of x square is not mentioned. So clear here that the value of a is 1. It is 1 x square particularly. What is the value of b? b equals to negative 2. What is the value of c? That is definitely negative 8. Alpha or beta, abhi hum already calculate kar chuke hain, 4 and minus 2. Let us verify the first relationship. What it is? Alpha plus beta equals negative b upon a. So put the value of alpha in its place. Then the value of beta in its place, which is minus 2. Then negative sign is there already in the relationship. And negative sign is also there in the value of b. So it is negative of negative 2. And the denominator is 1. So what we are getting on the left hand side 2. And the right hand side is also 2. That means this is a true relationship. It is verified. Similarly, the other relationship is alpha into beta equals c upon a. Dear viewers, if you put the value of alpha and beta in place of alpha beta, you are getting negative 8. Theek isi tarah se, put the value of c, put the value of a, you are again getting negative 8. That means left and right sides are equal for each and every quadratic polynomial definitely. Let us proceed ahead. मैम, इससे हम पहले के आगे बढ़ें और हम आपको बता दें कि तकरीबन 2 मिनट का समय और शेष है हमारे इस सत्र में, और हम एक आपसे सवाल लेना चाहेंगे। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो पैराबोलिक शेप का कोई एग्जांपल हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। जी बिल्कुल, रियल लाइफ में पैराबोला जो है वो डेफिनेटली हमारे बच्चों से सीधे सीधे कनेक्टेड है। आपने पैराबोला पूछा, दैट मींस आप पूछ रहे हैं मुझसे द एग्जांपल फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डियर व्यूअर्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम जब भी प्रेजेंट करते थे ऑन अ ग्राफ पेपर, तो लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। ठीक इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या बनता है? एक पैराबोला अवेलेबल होता है।
और पैराबोला की शेप हमारे बच्चे मैकडॉनल्ड्स का एम बहुत अच्छे से देखते हैं, सो दैट इज कंटेनिंग टू पैराबोलास। ठीक इसी ठीक तरह से अगर मैम, कोई हम यहाँ पर आपको सस्पेंडेबल, रोकना चाहेंगे। हमारे जो कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहेंगे। पैराबोलिक शेप का हम एग्जांपल ज़रूर जानेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनके सवाल और प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, माय हाँ जी, आप सबसे क्वेश्चन पहले इज आप कैन जीरो बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ओके। कैन जीरो वैल्यू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? सविता मैम, इज इट ऑडिबल टू यू? ओके, आई ट्राई टू हियर और आई कम टू नो, कैन जीरो बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? राइट मैम, राइट। सो यस, जीरो कैन बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वी शैल प्रोसीड अहेड। जैसे कि आपके पास p ऑफ x इक्वल्स 4x। मैम, इन अ ब्रीफ वी वुड लाइक टू नो, बिकॉज जी वी आर बिल्कुल, रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। डेफिनेटली हम आंसर करते हैं और उसके बाद वी शैल डेफिनेटली सम द सेशन अप। अगर हमने लिखा है p ऑफ x इक्वल्स 4x और x को आप जीरो पुट कर देते हैं, सो यू आर एबल टू गेट 4 इंटू जीरो विच इज जीरो। यस, जीरो कैन बी अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगी, व्हाट दैट इज दैट जीरो पॉलिनोमियल इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमने सेशन वन में भी डिस्कस किया था। इस केस में पी ऑफ एक्स ऑलरेडी होता ही कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विच इज जीरो, तो फॉर दिस एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, वेदर यू आर पुटिंग वन, वेदर यू आर पुटिंग टू, वेदर यू आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टू, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स will be a zero of a zero polynomial. यानी अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, डेफिनेटली आपका आंसर होगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दैट हाउ मेनी जीरोस डज अ जीरो पॉलिनोमियल है, सो इनफाइनिटली मैनी जीरोस, क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं ना। ऑल राइट, आप जीरो के साथ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख लीजिए, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, सो क्योंकि दैट इज जीरो इन से मल्टीप्लाई होने पर वो जीरो हो जाएगा, दैट्स इट। और रियल लाइफ से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मैम बहुत बताने ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है मैम। जी बिल्कुल, मैं जी बहुत ब्रीफ में बताती हूँ। मैकडोनल्ड्स का एम एक एग्जाम्पल दिया था। इस तरह से हम देखते हैं कुछ एक ब्रिजेस पर सस्पेंडेबल केबल्स लगी होती हैं, राइट ये कुछ वो वर्टिकल और ये सस्पेंडेबल केबल है। ओके, वो केबल क्या है, उसका लोअर मोस्ट पॉइंट से बिल्कुल इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। दिस शेप इज ऑल्सो नोन एज दी पैराबोला। तो ओके पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और रियल लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, डेफिनेटली हम अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैम, जी हम नेक्स्ट सेशन में आपसे काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और इनके बारे में भी और डिटेल लेते रहेंगे, लेकिन समय हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन सविता मैम, आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे तरीके से पॉलिनॉमियल्स पार्ट सेकेंड पे बच्चों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच मैम। जी रेनू जी बिल्कुल, और ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है मैं बिल्कुल चाहूंगी हमारे व्यूअर्स इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, हम ये टाइप डिस्कस कर चुके हैं और हमसे जरूर शेयर। थैंक यू। डेफिनेटली हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े, लर्नर्स जुड़े, वो आप इस सभी का जवाब हमें देंगे। आप हमें dth.class10@cit.nrc.in पर मेल कर सकते हैं। और जाते जाते हम आप सभी को बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे, जो कि उर्दू के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि नवी जमात के बच्चों के लिए है। तलबा तालिबात के लिए हम ये सत्र लेकर आने वाले हैं, जिसका मौजू रहने वाला है मगर वो टूट गई, जो कि एक अफसाना है। और आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का हिस्सा ज़रूर बने अपने मतदान के द्वारा। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, आप मतदान ज़रूर करें। आप सभी का वोट बहुत कीमती है, इस बात की महत्ता को समझें और वोट करें। और ना केवल आप करें, बल्कि आप अपने प्रियजनों को, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सभी रिलेटिव्स को आप जागरूक ज़रूर करें वोट करने के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। नमस्कार।